उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर खूब बुलडोजर चला। गाजियाबाद के नासना में बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण हटाया गया, तो वहीं फरुखाबाद में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का मामला भी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बुलडोजर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अवैध निर्माण हो या फिर फरार अपराधी की संपत्ति, सब पर बुलडोजर भारी पड़ता नजर आ रहा है। यूपी से उठा ये बुलडोजर का शोर धीरे धीरे अब अन्य राज्यों में भी सुनाई पड़ने लगा है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसे माफियाओं में जबरदस्त खौफ दिखाई पड़ रहा है। बुलडोजर का ये फॉर्मूला देखते ही देखते कई राज्यों में हिट हो गया है। अगर बात यूपी की जाए तो पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर से तमाम अवैध संपत्तियों को नष्ट किया गया है। इसी क्रम में बुधवार और गुरुवार को फरुखाबाद से लेकर गाजियाबाद तक खूब बुलडोजर गर्जा। मैं आपके साथ प्रवीण मिश्रा। आपको बता दें, बाबा बुलडोजर, जी हाँ, आपने बाबा बुलडोजर का नाम काफी सुर्खियों में सुना है और लगातार आप बाबा बुलडोजर का कारनामा भी देख रहे हैं। यही हम इसी क्रम में हम इस समय आपको बता दें, हम इस समय गाजियाबाद के डासना में मौजूद हैं, जहां पर बाबा का बुलडोजर, ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो बाबा का बुलडोजर है जो अपनी कार्रवाई करने वाला है। थोड़ी देर में इस मकान को, ये मकान है मेरे सामने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस मकान को ध्वस्त किया जाएगा क्योंकि ये अवैध रूप से बना हुआ था यहाँ पर, जो कि बाबा का बुलडोजर है। देख लीजिए, पूरा प्रशासन है यहाँ पर, शासन है, सभी लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। लगातार बाबा बुलडोजर की कार्रवाई लगातार पूरे उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में भी की जा रही है। आप देख सकते हैं, ये वो मकान है जो अनलीगल तरीके से बना हुआ था। कहीं ना कहीं शासन ने इसको नोटिस दिया, नोटिस देने के बावजूद भी इन लोगों ने अभी तक मकान को खाली नहीं किया था। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बुलडोजर खूब चर्चा में रहा था। उस समय सीएम योगी का बुलडोजर को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनकी सत्ता में दोबारा एंट्री का श्रेय उनकी मजबूत कानून व्यवस्था वाली छवि को दिया गया। सूबे की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी का लगातार एक्शन जारी है, जिसको देखकर अपराधियों में बुलडोजर का खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहरहाल बुलडोजर अब राजनीति में एक ऐसा प्रतीक बन चुका है जिससे अपराधियों पर लगाम कसने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के तौर पर देखा जा सकता है। इसी बुलडोजर के हिट फॉर्मूले और बेहतर विकास के जरिए बीजेपी 2024 में एक बार फिर से दिल्ली का किला फतेह करना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।